ये देखो आपको, और एक बार मैं बता देती हूँ, ये जो चार्ज होती है ना, आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। कौन से मेथड है? ना एक है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड में से हम चार्ज करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, ना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और एक है क्या, ना चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है ना, बाय टचिंग देम, ठीक है, विद द चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ जब हम टच कर देंगे तभी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को हम टच कराएंगे वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, उसको चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो, व्हेन अ मेटल रॉड इज रब्ड विद वूल इट इज चार्ज बाय फ्रिक्शन। इफ वी प्लेस द चार्ज मेटल रॉड अगेंस्ट अ मेटल स्फीयर द मेटल स्फीयर ऑल्सो बिकम्स चार्ज बाय कंडक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, चार्जिंग बाय कंडक्शन में से कैसे होती है, मेटल स्फीयर, ये मेटल रॉड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेटल स्फीयर के अंदर डायरेक्ट चार्ज मूव हो रहा है ना, नहीं? यस मैम। बात को समझो पहले, ये जो मेटल रॉड था ये कैसे चार्ज हुआ, बाय फ्रिक्शन। मेटल रॉड जो था वो कैसे हुआ, फ्रिक्शन से हुआ। उसको हम किसके साथ घिसे थे, वूल के साथ, वूल से, नहीं हो क्या? वूल, ये जो मेटल रॉड है आप देख पा रहे हो ना, नहीं फिगर में? यस मैम, ठीक है। ये मेटल रॉड को हमने क्या किया, पहले वूल के साथ रब किया, चार्ज किया। रब करने में से क्या हुआ ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब क्या है ना, ये चार्ज हो गया। फिर से हमने क्या करेंगे ना, ये मेटल रॉड को लेके एक मेटल स्फीयर के पास टच कराएंगे। ये देखो टच हो गया दोनों, मेटल रॉड और मेटल स्फीयर। अभी देखो हमने उसको रब नहीं कर रहे, बस टच करा के रख दिए, ठीक है, टच करा के हमने रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रही है ना, मेटल रॉड में जो भी चार्ज था वो किसके अंदर जा रहा है, मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया ना, नहीं? इसके अंदर yes, ma'am, हो गया। तो वो कैसे आया, बाय टचिंग? यस मैम, हो गया, ठीक है। ये कैसे आया, बाय टचिंग या बाय रबिंग, बताओ? हम तो एक चार्ज पार्टिकल के साथ बस टच करा दिए, अपने आप उसके अंदर जो था, क्या था, चार्ज था, वो स्फीयर के अंदर आ गया। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, ना चार्जिंग बाय कंडक्शन, समझ में आ गया ना, बाय टचिंग मेथड में। टचिंग मेथड में जब हम टच कराने से चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन मेथड। और इंडक्शन क्या है ना, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी चार्ज बाय द ब्रिंगिंग देम नियर और चार्ज ऑब्जेक्ट बट नॉट टचिंग, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है ना, हम टच नहीं कराएंगे, कंडक्शन में हम टच करा दिए, ठीक है, इंडक्शन में हम विदाउट टच में चार्ज करा लेंगे, ठीक है। दिस मेथड क्या है ना, नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय इंडक्शन, साइड क्लोजर टू द चार्ज बॉडी एक्वायर अपोजिट चार्ज एंड साइड फार्दर फ्रॉम द चार्ज बॉडी एक्वायर सिमिलर चार्ज। द चार्ज एक्वायर्ड बाय इंडक्शन इज टेम्पररली एंड ऑब्जेक्ट गेन बिकम्स न्यूट्रल व्हेन द चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। देखो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, टेम्पररी चार्ज होगा, क्योंकि हमने उसको क्या टच नहीं कराया, पास में रख दिया, तो ये जो भी चार्ज हो, देखो फिर से दूर ले जाएंगे तब ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को हमने क्या किया, पास में रखा, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ ना, इसके पास में रह के ये थोड़ा सा चार्ज हुआ, फिर से जैसे उसको दूर ले जाएंगे तभी फिर से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्पररी होता है, जब तक पास में है तब तक चार्ज में रहेगा, जैसे दूर हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है। ये तो था क्या, इंडक्शन में। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्ज किसको कहेंगे, अनलाइक चार्ज किसको कहेंगे, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड विद द सेम मटेरियल दे अक्वायर अ सिमिलर यानी लाइक चार्ज। व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर दे रिपेल ईच अदर। वो क्या करेंगे, लाइक चार्ज आपको पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज
अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बाई फिगर बात समझ लो, यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन ब्लू वाली जो देख रहे हो ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम चार्ज वाले हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से रिपेल इच अदर, एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिगर टू में से ये एक रेड है, ये ब्लू है, ये क्या है ना, अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, तो वो दोनों क्या किए हुए हैं, अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये बस ध्यान रखना है कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्ट इच अदर, हाँ। यहाँ पे देखो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो अट्रैक्शन कर रहे हैं, क्यों ना, नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। और रिपल्शन कब होगा ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, रिपल्शन किए। और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन क्यों करना, सेम चार्ज, सेम चार्ज रिपल Each other, ठीक है, repel each other और opposite charge attract each other, बस each other, और इसको क्या कहते हैं, law of electrostatic। नेक्स्ट देखो कि point electroscope, an electroscope is an instrument that is used to detect charge on the object। इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से हमें क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है, ये बताता है। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ मेटल रॉड प्लेस्ड इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास जार, ग्लास जार में से एक मेटल रॉड रख के, जैसे कि हमें बाहर से दिखे, ठीक है, वो मेटल रॉड जैसे दिखाएगा, हिल जाएगा तो हमें पता चले चार्ज होगा, तभी वो डिस्प्लेस करेगा। द टॉप ऑफ द मेटल रॉड हैज अ मेटल प्लेट और स्पीयर एंड एंड ऑफ द रॉड हैज टू थीन फॉइल लिप्स हैंगिंग नियर द बॉटम। यहाँ पे देखो ये है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करती है, तो ये क्या है ना, आपका जार के अंदर क्या रखा गया है, मेटल रॉड, ठीक है, मेटल रॉड, मेटल रॉड रखेंगे, तो ये कैसे काम करता है देखो, द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमने अभी जो पढ़ा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक है, अट्रैक्शन एक है, सेम चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन प्रोसेस में से ये काम करता है, कैसे करता है ना, इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर टू द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, हमने क्या किया ना, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का टॉप है उसके पास हम क्या करेंगे ना, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाके रखेंगे, ठीक है, ये देख लो ये आपका क्या है, टॉप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे हमने क्या किया ना, इसको ये एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे लाके रख दिया, फिर रखने से क्या होगा, द फॉइल लीव्स एट द बॉटम ऑफ द वायर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जो फॉइल है, ये जो दो है ना, ये आप देख रहे हैं ना, दो फॉइल है, ठीक है, जब यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट को रखा, ये आपका क्या है, मेटल है पूरा, ठीक है, इसका अंदर भी चार्ज आ जाएगा ना, नहीं, ठीक है, जैसे आपका कौन सा मेथड में आता है, पास में रखने से, पास में रखने से इंडक्शन मेथड, ठीक है, इंडक्शन मेथड में आता है, तो चार्ज टेम्पररी, ठीक है, ये आ गया, जब जैसे आ जाएगा तो ये दोनों जो फॉइल है, इन दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। The foil leaves at the bottom of the wire moves apart from each other. The greater the charge of the object, of the farther apart the leaves move. The electroscope works because the charge from the object moves to the foil leaves through the metal rod. Because the two leaves now have the same charge, they repel each other, move apart.
इन एन इलेक्ट्रोस्कोप द चार्जिंग कैन अकर बाय द इंडक्शन और कंडक्शन. We can find the nature of the charge on an object by charging the electroscopes with a known charge that the testing the object with the unknown charge. If the foil leaves moves further apart, the unknown charge is same as the charge on the foil. तो इसका मतलब क्या है समझो हिंदी में से कि ये जो दो foil आप देख रहे हो ठीक है, ये एक foil है ये एक foil है ठीक है, ये दोनों में से क्या है ना same charge है. कौन सा charge है I don't know ठीक है, किसको पता नहीं. इसमें से पॉजिटिव होगा तो इसमें से पॉजिटिव होगा, इसमें से नेगेटिव होगा तो इसमें से भी नेगेटिव होगा. ये जो दो फॉइल आप देख रहे हो ना, ये जो दो फॉइल देख रहे हो इनमें से क्या होती है ना सेम चार्ज होती है, आइदर पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा ठीक है. जैसे हमने क्या किया ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल से ऑब्जेक्ट हमने रखा ठीक है, ये जो टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या होगा, तुरंत इसके अंदर चार्ज आएगा बाय इंडक्शन मेथड. आने के बाद ये जो रॉड है इसके अंदर आ जाएगा चार्ज, इसके साथ ये टच है ना नहीं, इसके अंदर आ जाएगा. आने के बाद क्या होगा, ये रिपल्शन करेगा क्योंकि ये सेम चार्ज है, तो रिपेल इच अदर. जैसे वो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे से दूर होंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया था ना वो चार्ज वाला ऑब्जेक्ट था. डिस्चार्ज वाला ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तभी वहां पे कुछ भी फंक्शन दिखेगा नहीं, शो नहीं करेगा, ये रिपेल नहीं करेगा कि अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ठीक है. तो हम ऐसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है. चार्ज होगा तो ये हिलने लगेंगे, हिल जाएंगे थोड़ा सा ठीक है, तभी हम इस पर नोटिस करेंगे, इसको हम देखते रहेंगे वो हिल रहा है या नहीं. हिलेगा तो जो ऑब्जेक्ट हमने दिखाए थे वो चार्ज है उसमें से, जब नहीं हिलेगा ये दोनों फॉइल तो वो ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है. चार्ज होता तो बाय द इंडक्शन मेथड इसके अंदर चार्ज आ जाता और ये रिपेल करते हैं ठीक है. ऐसे हमें पता चलता है, इसे ये डिटेक्ट कर लेता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है. और देखो और एक चीज हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें कैसे पता चलेगा. नेगेटिव होगा कैसे पता चलेगा और पॉजिटिव होगा तो कैसे पता चलेगा. ये देखो हम ऐसे पता करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो हम फाइनल हम बता नहीं पाएंगे कि उसके अंदर में कौन सा चार्ज है, बट जब हम चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे दिखाएंगे ये दोनों रिपेल करेंगे तो अपोजिट चार्ज मतलब सेम चार्ज होंगे, ये दोनों में से सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव इसमें से है तो वो भी पॉजिटिव होगा, और अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव होगा, बट हम डिफाइन कर नहीं पाएंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और एक बार मैं बताती हूँ कि ये जो आपका चार्जिंग ऑब्जेक्ट है ठीक है, और ये आपका जो फॉइल है ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है. इन दोनों जब क्या करेंगे ना, जब हम इसके पास रखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के पास रखते हैं तो ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, इन दोनों में से क्या है सेम चार्ज है. क्या है सेम चार्ज है, इतना बस बता सकते हैं सेम चार्ज है, बट कौन सा चार्ज है आई डोंट नो ठीक है. और जैसे ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट चार्ज है, इतना हम बता सकते हैं ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, न सिर्फ वो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है, बट कौन सा चार्ज है वो बता नहीं पाएगा ठीक है. बात आ गया ना समझ में. और इतना हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने दिखाया यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट और अंदर जो फॉइल है ये दोनों, इन दोनों में से सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है हम ये बता सकते हैं. सेम चार्ज होगा तो क्या होगा रिपेल इच अदर, एरोमार्क्स ऐसे रहेगा ठीक है, और डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट इच अदर, इतना हम बता सकते हैं. बात आ गई समझ में. यस मैम आ गई. यही तो था. यस मैम आ गई. और अर्थिंग पता है, नाम सुना है अर्थिंग का. जब करंट लगता है ना किसी इंसान को तो लोग बोलते हैं कि अर्थिंग आ गई, मतलब हाँ मतलब क्या है ना करंट अर्थ के अंदर चला गया नहीं, तभी तो ऐसे हो रही है. नाम सुना है अर्थिंग के बारे में नहीं. Yes. It is the process in which charges are transferred to the ground.
हाँ टू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चार्ज चला जाएगा, ठीक है। जब तक देखो हम ना रबर शू पहन लेंगे या प्लास्टिक का शू पहन लेंगे, लेके हम काम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, शॉक लगेगा तब भी हमें कुछ नहीं होगा। जैसे हम खाली पैर में खड़े हो जाएंगे, गीला होगा पैर, तो हमें शॉक लगती है और मरने का चांसेस है, डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो करंट जब क्या होगा अंदर जाएगा ना, तो क्या होती है हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। पढ़ेंगे अर्थिंग के ऊपर, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो टाइम हो गया। ओके मैम, ठीक है।